तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जब से ब्रह्मास्त्र मूवी रिलीज हुई है, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने कई वीडियोस बनाए हैं वीएफएक्स के ऊपर। तो आज हम बनाने वाले हैं वही वीएफएक्स आसान तरीके से। अगर आप भी आपका एक वीडियो या फिर फोटो उस फायरबॉल के साथ एडिट करना चाहते हो जो आज हम बनाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना और इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो और ऐसे ही मजेदार वीडियोस आप देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए गाइस, फटाफट से इस वीडियो को शुरू कर दें। गाइस, अब हम लोग आ चुके हैं ब्लेंडर में। तो अगर आपको आपका इमेज एडिट करना है उस फायरबॉल के साथ, तो आप इस वीडियो को बारीकी से देखना। अगर आपको वीडियो एडिट करना है तो मैं आखिरी में एक ट्रिक बता दूंगा ताकि आप अपना वीडियो उसके साथ अटैच कर सको। तो चलिए गाइस, अब शुरू करते हैं ब्लेंडर के साथ। तो सबसे पहले जब हम ब्लेंडर में आते हैं, हम करते हैं हमारा सीन क्लियर। तो इस बार हम सीन क्लियर नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ क्यूब को डिलीट कर देंगे। तो ये क्यूब ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड आ जाएगा, इसको सिर्फ आपको डिलीट करना है। तो गाइस, जैसे हम क्यूब डिलीट करेंगे, हमें यहाँ पर तीन चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। व्यू सिलेक्ट और एड, हमें एड पर क्लिक कर देना है और मैच में जाकर हमें यूवी स्फीयर को सिलेक्ट कर लेना है। और हमारा जो यूवी स्फीयर है वो यहाँ पर अपीयर हो चुका है। अब हमें तो इस पियर का टेक्सचर कुछ खराब दिख रहा है हमें, तो हमें इसको सिर्फ राइट क्लिक कर कर शेड स्मूथ पर सिलेक्ट कर लेना है। इससे हमारा टेक्सचर स्मूथ हो जाएगा। गाइस, अब हमें करना है इसे स्केल डाउन। स्केल डाउन करने के लिए हम कीबोर्ड पर प्रेस करेंगे एस। तो एस प्रेस कर दे, हमारे पास ऐसी फंक्शनलिटी आ जाएगी। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने ब्लेंडर के बेसिक सारे आसान तरीके से आपको समझा है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा गाइज, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो वीडियो जाकर चेक कर सकते हो। उसके बाद आपको ये ट्यूटोरियल काफी आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो गाइज, जैसे कि हम एस प्रेस करते हैं तो हमें यहाँ पर फंक्शनलिटी आ जाएगी। तो हम इसे करते हैं थोड़ा स्केल डाउन इस तरीके से। और अब हमें जाना है यहाँ पर ऑब्जेक्ट में और हमें सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर क्विक इफेक्ट्स और क्विक स्मोक पर। जैसे हम क्विक स्मोक सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक स्मोक डोमेन करके ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो हमें अभी स्मोक डोमेन को करना है स्केल। तो हम इसको यहाँ से ड्रैग कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब हमें इसे करना है थोड़ा ड्रैग ऊपर की तरफ। तो हम कीबोर्ड पर प्रेस करेंगे जी, और जी प्रेस कर दे, हमारे पास ये एरो फंक्शनलिटी आ चुकी है। अब हम इसको करेंगे थोड़ा सा ड्रैग ऊपर की तरफ ताकि हमारी जो फायर है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर दिख सके। गाइज, अब हमें ऐड करनी है एक टर्बुलेंस फील्ड जो कि हमारे फायर में नॉइस क्रिएट करेगी। तो टर्बुलेंस फील्ड ऐड करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पर ऐड में, और यहाँ पर फोर्स फील्ड में जाकर हम कर लेंगे यहाँ पर टर्बुलेंस को सिलेक्ट। जैसे टर्बुलेंस सिलेक्ट करेंगे हमारे पास यहाँ पर प्लस साइन आ जाएगी और इसे हमें कर लेना है ड्रैग ऊपर की तरफ। गाइस यार, अब हमारा टर्बुलेंस है सिलेक्टेड, तो उसे जैसे ही सिलेक्टेड ही रहने देते हैं। और यहाँ पर अब हम जाएंगे फिजिक्स प्रॉपर्टीज में। तो फिजिक्स प्रॉपर्टीज में जाने के बाद हमें स्ट्रेंथ को कर देना है यहाँ पर 1 से 0.4 पर ड्रॉप। यहाँ पर जो नॉइज अमाउंट है उसे कर देना है 0 से 0.4 पर रेस। तो टर्बुलेंस के लिए ये सेटिंग्स आप नोट कर लेना गाइस, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो आपका एनिमेशन तैयार करने के लिए। गाइस यार, अब हमें सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर स्पीयर को। अब स्पीयर को सिलेक्ट कर दे, यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाएंगी। और हमें यहाँ पर फ्लो टाइप को कर लेना है स्मोक से चेंज कर कर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है फायर। और फायर जैसे आप सिलेक्ट करते हो, आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो कि यहाँ पर फायर आ चुकी है। अब हमें नीचे जाकर फ्यूल को कर देना है 1 से 2 पर सेट। हमें यहाँ पर फ्लो सोर्स की फील्ड को ओपन कर लेना है और सोर्स इमिशन को कर देना है 1.5 से ड्रॉप टू 1। हम ये इसलिए करते हैं ताकि आप यहाँ पर चेंज देख सकते हो कि जो फायर है वो पहले बाहर ज्यादा स्प्रेड हो रही थी और सरफेस इमेजर कम करते ही फायर वो स्पीयर से चिपक कर आ गई है। तो फायर को स्पीयर के नजदीक रखने के लिए हम सरफेस इमेजर को कम कर देते हैं। गाइस यार, अब हमें जाना है टेक्सचर में। तो टेक्सचर को कर देते हैं यहाँ पर एनेबल। और टेक्सचर को एनेबल करने के बाद हमें यहाँ पर सीधा जाना है नीचे जो कि है टेक्सचर प्रॉपर्टीज, और हमें यहाँ पर कर लेना है सिलेक्ट न्यू। और जैसे ही हम न्यू सिलेक्ट कर दें, हमारे पास एक प्रीव्यू विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर इमेज और मूवी को ड्रॉप डाउन सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर क्लाउड्स के लिए। और क्लाउड्स जैसे हम सिलेक्ट करेंगे, हमारे पास ये प्रीव्यू विंडो आ जाएगी। और अब हमें यहाँ पर कलर्स में जाकर
कंट्रास्ट को कर देना है फुल जो कि है 5, और अब हमें यहाँ पर साइज को जाकर कर देना है 0.1%। गाइज हम जैसे ही 0.1% करते हैं आप हमारे पास कुछ इस तरीके से टेक्सचर रेडी हो जाएगा। अब हमें इस टेक्सचर को लेकर जाना है उस टेक्सचर प्रॉपर्टीज में जहाँ पर हमने उसे एनेबल किया था। तो अब यहाँ पर हम कर लेंगे इसको ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट, और ये टेक्सचर में अब हमारे जो टेक्सचर है जो हमने बनाया है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। हमें इसको कर लेना है यहाँ पर सिलेक्ट। गाइज अब ये सेटिंग्स हो चुकी है हमारे फ्लो ऑब्जेक्ट के लिए। अब हमारा जो स्पीयर है उसके लिए हमारे प्रॉपर्टीज हो चुके हैं बिल्कुल सेट। अब हम जाएंगे हमारे स्मोक डोमेन में। स्मोक डोमेन को हम जैसे ही सिलेक्ट करेंगे हमें यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है वो दिखाई दे रहा है रिजोल्यूशन। तो गाइस जैसे कि आप लोग अभी स्क्रीन पर देख सकते हो कि जैसे ही हम 64 रिजोल्यूशन करते हैं जो हमारी फायर है वो काफी नॉइजी और हाई हाइट वाली दिखाई दे रही है। तो मैं यहाँ पर हमारे जो ब्रह्मास्त्र मूवी है उसके हिसाब से 256 उस पर सिलेक्ट कर लूंगा ताकि ये जो हमारी फ्लेम है वो अच्छी तरीके से दिखाई दे। तो गाइस हमें यहाँ पर रिजोल्यूशन कर देना है 32 से चेंज करके यहाँ पर 256 टाइप कर देना है। गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पर चेंज देख सकते हो 256 सेट करते ही हमारा जो स्पीयर है वो काफी अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। अब हमें नीचे जाकर कैच सेटिंग में हमारा जो मोड है उसको मॉड्यूलर पर सेट कर देना है। तो आप हमारा जो टाइप है उसको रिप्लेस से चेंज कर देंगे यहाँ पर मॉड्यूलर के लिए। और जैसे ही हम मॉड्यूलर के लिए से सेट कर दें यहाँ से जो फायर है वो गायब हो चुकी है ताकि हमें इसको बेक करना है। अब हम ऊपर जाकर इसको एडेप्टिव डोमेन को एनेबल कर देते हैं ताकि हम जो बेक है वो अभी हमारे लिए एनेबल हो जाएगा। तो गाइस अब हम जाएंगे यहाँ पर फायर प्रॉपर्टीज में। तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा वोर्टिसिटी। तो वोर्टिसिटी जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो अगर हमने वोर्टिसिटी 0 कर दी है तो उसमें नॉइस काफी कम है। 0.1 के लिए जो हमें चाहिए विस उस तरीके से नॉइज आपको दिखाई दे रहा है। अगर 0.5 कर दिया तो काफी ज्यादा नॉइज यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा और 1.5 तो हमें चाहिए भी। तो हम कर लेंगे हमारे वीडियो के लिए यहाँ पर 0.1 पर वोर्टिसिटी का सेट। तो यहाँ पर हम वोर्टिसिटी को कर देते हैं चेंज 0.5 से 0.1 पर। अब अगली चीज जो हमें चेंज करनी है वो है यहाँ पर रिएक्शन स्पीड। तो रिएक्शन स्पीड को हम कर देंगे यहाँ पर 0.75 से चेंज करके 1 को सेट। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो अगर हम इसे कम करते जाएंगे तो हाइट हमारे जो फ्लेम की है वो बढ़ती जाएगी। हमें फ्लेम के लिए ज्यादा हाइट नहीं चाहिए इसलिए हम कर देंगे इसको 1 पर सेट। अब हमें नीचे जाकर यहाँ पर कैच सेटिंग में स्टार्ट फ्रेम को कर देना है 100 और एंड फ्रेम को कर देंगे यहाँ पर 200 को सेट। जैसे हम इसको 200 को सेट करेंगे हमारा जो टाइम लिमिट है बेक डेटा के लिए वो 100 से 200 में सेट हो जाएगा। तो सिर्फ 100 फ्रेम ही हमारा बेक हो जाएगा जो कि हमें चाहिए। अब हम लोग नीचे जाएंगे और इज रिज्यूमेबल को और कर देंगे एनेबल ताकि हमारा जो बेक है अगर वो बीच में रोकना पड़े कोई प्रॉब्लम की वजह से तो आप वो कर सकते हो फिर से रिज्यूम। गाइज अब ऑलमोस्ट सारी सेटिंग्स यहाँ पर हो चुकी है। अब हमें सिर्फ करना है बेक डेटा। तो मैं यहाँ पर बेक डेटा पर क्लिक कर देता हूँ और मैं आपको मिलता हूँ 2 मिनट में। इसको बहुत टाइम लगता है गाइज बेक करने के लिए। 100 फ्रेम के लिए लगभग 15 मिनट लगेंगे। मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। गाइज यार अब हमारा बेकिंग हो चुका है बिल्कुल कंप्लीट। हमारे पास कुछ फायर का आउटपुट दिखाई दे रहा है जो कि काफी अच्छा है और बेकिंग की वजह से इसे जो सिमुलेटेड लुक आया है वो काफी अच्छा है। तो गाइज हमारे पास हमने जो बेकिंग की थी वो 100 फ्रेम से लेकर 200 फ्रेम पर तक की थी। मेरे लिए 175 फ्रेम यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए ताकि मेरी जो फायर है वो उस फ्रेम के लिए अच्छी दिख रही है। आपको अगर चाहिए तो आप इसमें से कोई भी फ्रेम चूज कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से मेरे एनिमेशन के लिए 175 फ्रेम अच्छी तरीके से दिखाई दे रहे हैं इसलिए मैंने 175 को चूज कर लिया है। तो आप अपने हिसाब से कोई भी फ्रेम यहाँ से चूज कर सकते हो जो आपको अच्छी लगे। गाइज अब हमें जाना है वर्ल्ड प्रॉपर्टीज में। यहाँ पर जो राइट में आपको एक सर्कल दिख रहा है वो वर्ल्ड प्रॉपर्टीज का सेटिंग है और हमें यहाँ पर कलर में जाकर कर लेना है इसको पूरा ब्लैक ताकि हमारा जो फायर है वो अच्छी तरीके से हमें दिखाई दे। और हमें यहाँ पर जाना है रेंडर प्रॉपर्टीज में और रेंडर प्रॉपर्टीज में जाकर हमें रेंडर इंजिन को कर लेना है यहाँ से साइकिल्स को सिलेक्ट ताकि हमारे जो फायर है वो साइकिल्स में अच्छी तरीके से रेंडर हो जाए और हमें जो आउटपुट है वो काफी रियलिस्टिक मिले। साइकिल्स रेंडर हमें रियलिस्टिक आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो गाइज अब हमारी ये सेटिंग्स हो चुकी है ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब हमें इसको करना है और एनहांसमेंट के लिए हमें जाना है यहाँ पर कंपोजिटिंग और शेडिंग टैब में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं शेडिंग टैब से। अब हम जाएंगे शेडिंग में। यहाँ पर आपको ऊपर कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे तो यहाँ पर मैं शेडिंग को सिलेक्ट कर लेता हूँ।
शेडिंग को सिलेक्ट करते ही हमारे पास कुछ इस तरीके से एक विंडो ओपन हो जाएगी। तो उसके लिए अब हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है हमारे स्मोक डोमेन के ऑब्जेक्ट को, और जैसे हम ऑब्जेक्ट हमारे सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कुछ नोड्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये नोड्स बेसिकली हमारे स्मोक डोमेन को कंट्रोल करने में काम आएंगे। यार शेडिंग टैब में आते ही सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ सर्कल जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे हमें यहाँ पर उसको सिलेक्ट करना है रेंडर के लिए। तो रेंडर जैसे हम सिलेक्ट करेंगे हमारे पास कुछ आउटपुट आ जाएगा, और हम नंपैड पर 0 प्रेस कर देंगे ताकि हमें हमारा कैमरा व्यू मिल सके। तो जैसे ही आप हमें कैमरा व्यू दिखाई दे रहा है तो अब हमें यहाँ पर करना है एक नोड ऐड। तो नोड ऐड करने के लिए हमें कीबोर्ड पर प्रेस कर लेना है Shift A। Shift A जैसे हम प्रेस करेंगे हमारे पास एक विंडो ओपन हो चुकी है जहाँ पर हमें सर्च बॉक्स है, तो हम उस पर क्लिक करेंगे और टाइप कर देंगे एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट टाइप कर दिया हमारे पास एक नोड यहाँ पर आ जाएगी, हमें इसे सिंपली करना है लेफ्ट क्लिक से प्लेस यहाँ पर। तो अब हमें एट्रीब्यूट नोड को यूज करने के लिए एक नोड और ऐड करनी पड़ेगी जिसे कहते हैं कलर रैम। कलर रैम को ऐड करने के लिए हम करेंगे सिंपली प्रेस Shift A, और Shift A प्रेस कर दिए हमारे पास सर्च बॉक्स ओपन हो जाएगा और हम यहाँ पर टाइप कर देंगे कलर रैम। कलर रैम जैसे हम टाइप करेंगे हमारी जो नोड है वो यहाँ पर आ जाएगी लेफ्ट क्लिक कर। लेफ्ट क्लिक से हम इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं। अब हमें एट्रीब्यूट के फैक्चर को यहाँ से लेकर जाना है और कनेक्ट करना है कलर रैम के फैक्चर को, और जो कलर है कलर रैम में से उसे कनेक्ट करना है यहाँ पर इमिशन स्ट्रेंथ को। अब हमें यहाँ पर एट्रीब्यूट ट्रैप को नेम देना है हीट ताकि ये हमें याद रहे, और हीट जैसे ही हम नेम देंगे तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारे एट्रीब्यूट में एक स्मोक आ चुकी है। गाइस यार जैसे ही आपने हीट नाम दिया तो आपने ऊपर चेंज देख लिया होगा, तो चेंज यहाँ पर हमारे पास जो हीट है जो कि हीट एमिट होने वाली है हमारे ऑब्जेक्ट से वो सारी अब हमें व्हाइट कलर में दिखाई दे रही है। तो यही यूज है हीट का एट्रीब्यूट का। यार अब हमें करना है हमारे डेंसिटी को यहाँ पर 0 ताकि उसे हमें यूज नहीं करना है आगे। तो अब हमें यहाँ पर कलर रैम से खेलना है, तो बेसिकली हमें इस ब्लैक वाले नोड को यहाँ से लेकर जाना है कुछ यहाँ पर, ताकि जो एक्स्ट्रा वाली जो स्मोक है जो फायर हीट है वो हमें ना मिले और हमारा जो एनिमेशन है वो अच्छी तरीके से हमें दिखाई दे। मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा बाहर की तरफ शिफ्ट ताकि ये कुछ अच्छी तरीके से हमें दिखाई दे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो जो एक्स्ट्रा वाली हीट थी वो गायब हो चुकी है, और अब हमें इस व्हाइट वाली को थोड़ा सा लेना है राइट लेफ्ट की तरफ ताकि जो डिटेलिंग है वो अच्छी तरीके से और दिखाई दे। अब हमें यहाँ पर जो प्लस साइन दिख रही है हमें उस पर यहाँ पर क्लिक कर देना है, और हमारे पास एक यहाँ पर एक और इंटरमीडिएट नोड ऐड हो जाएगी और इसे हमें सीधा लेकर जाना है राइट की तरफ। गाइज यार अब हमारी हो चुकी है यहाँ पर अच्छी तरीके से एनहेंसमेंट। तो ये जो ब्लैक है इसकी पोजीशन है 0.804। अगर आपको सिमिलर आउटपुट चाहिए जो कि मेरा आने वाला है तो आप ये पोजीशन नोट डाउन कर सकते हो और आप इसे यूज कर सकते हो आपके एनिमेशन में। तो यहाँ पर ब्लैक के लिए है 0.84, जो कि व्हाइट है उसके लिए 0.960, और जो ग्रे है उसकी है 1। गाइज यार आप ये नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको बाद में वो यूजफुल रहे। तो यहाँ पर हमने जो एक नोड एक्स्ट्रा बनाई थी तो इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे और जो उसका कलर है उसको कर देंगे यहाँ से थोड़ा सा ड्रैग नीचे की तरफ, पूरा कंप्लीट ब्लैक नहीं करेंगे, थोड़ा सा ब्लैक ही साइड में हम उसे लेकर गए हैं ताकि हमारी जो फायर है वो काफी रियलिस्टिक दिखाई दे। तो आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर फायर अच्छी तरीके से दिखाई दे रही है। अब हमें इसको करना है कलर ऐड। हमारा जो फायर है उसके लिए 2 कलर है, तो हम सबसे पहले बनाएंगे ऑरेंज फ्लेम के लिए। तो ऑरेंज फ्लेम के लिए हम यहाँ पर कर देंगे यहाँ पर ऐड एक कलर रैम Shift A की मदद से, और यहाँ पर टाइप करेंगे कलर रैम इस तरीके से। ये जो फैक्चर है यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे और कनेक्ट कर लेंगे इस फैक्चर को, और जो कलर है उसको कर देंगे यहाँ पर इमिशन कलर को कनेक्ट ताकि जो कलर है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर पाए। तो हम इसको कर देंगे थोड़ा सा ड्रैग राइट की तरफ और इसको कर देंगे यहाँ से कलर को सिलेक्ट, और ये बार को कर देंगे रेस ताकि हमें अच्छे के तरीके से कलर दिखाई दे, और मैं थोड़ा सा रेडिश कलर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ फ्लेम के लिए, इसको कर देंगे यहाँ पर ड्रैग, और जो व्हाइट वाली नोड है उसको भी हम सिलेक्ट कर लेंगे कलर के लिए। और जो व्हाइट है उसके लिए हमने लाइट येलो कलर यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है ताकि हमारी फ्लेम है जो कि अच्छी तरीके से हमें दिखाई दे। गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो हमारी फ्लेम का कलर काफी रियलिस्टिक यहाँ पर लुक आ रहा है। हम ऑरेंज को थोड़ा और यहाँ पर
राइट की साइड मूव करेंगे ताकि यहाँ पर ऑरेंज लुक ज्यादा आए और अच्छी तरीके से हमारी फायर जो है वो हमें दिखाई दे। गाइज यहाँ पर कलर हो चुका है ऐड। गाइज यार अब हमारी फायर जो है काफी डार्क दिख रही है, तो हमें इसको थोड़ा ब्राइट बनाने के लिए यहाँ पर एक और नोड ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कर लेंगे शिफ्ट ए और यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे मैथ नोड जो कि हमें यूज होंगी हमारे जो फ्लेम है उसको ब्राइट करने में। और हम इसको कर देंगे यहाँ पर सीधी प्लेस, और प्लेस कर देंगे हमारा जो यहाँ पर ऐड है उसको कर देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई को सिलेक्ट, ताकि हमारा जो एनिमेशन है वो एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाए। और हम इस वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे 10 के लिए ताकि हमारी जो फायर है वो काफी ब्राइट हमें दिखाई दे। तो अब हमें यहाँ पर इस लीनियर को भी कर देना है ईज के लिए सेट ताकि हमारा एनिमेशन काफी स्मूथ दिखाई दे। तो अब हमें जाना है रेंडर प्रॉपर्टीज में और नीचे जाकर हमें यहाँ पर कलर मैनेजमेंट को सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर हमें लुक को नन से सिलेक्ट करके चेंज कर देना है हाई कॉन्ट्रास्ट को। हाई कॉन्ट्रास्ट को हम जैसे सिलेक्ट करेंगे हमारा जो फायर है वो अच्छी तरीके से हमें दिखाई दे रही है। अब हमारी फायर को थोड़ी अच्छी तरीके से और एनहेंस करने के लिए अब हम ऐड करेंगे नॉइस टेक्सचर का एक नोड, और नॉइस टेक्सचर का नोड ऐड करने के लिए हम शिफ्ट ए प्रेस कर देंगे और यहाँ पर टाइप कर देंगे नॉइस टेक्सचर। नॉइस टेक्सचर जैसे हम टाइप करेंगे हमारे पास यहाँ पर एक नॉइस टेक्सचर का नोड आ चुका है। अब इसे यूज करने के लिए हम एक ऐड करेंगे कलर रैम, कलर रैम को हम टाइप कर लेंगे यहाँ से और इसको कर देंगे ड्रैग सिंपली। अब हमें इन तीनों को यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है थोड़ा सा साइड में, और इसको यहाँ पर हम सिलेक्ट करके शिफ्ट डी प्रेस करेंगे ताकि इसको डुप्लीकेशन हो जाए, और डुप्लीकेशन हम यहाँ पर इसको सेट कर देंगे। अब हमें इस फैक्चर को यहाँ पर कनेक्ट करना है इस वाले फैक्चर के साथ, और ये जो कलर है उसे कर देना है यहाँ पर वैल्यू को कनेक्ट। तो जैसे ही हम यहाँ पर कलर रैम के साथ थोड़ी सी छेड़खानी करते हैं तो हमारा जो एक्स्ट्रा का जो बीट हमें नहीं चाहिए वो यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है। तो हम यहाँ पर कुछ इसको कर देंगे यहाँ पर सेट, और हमें यहाँ पर स्केल को करना है सेट 8 पर, और जो डिस्टॉर्शन है उसे हम कर देंगे यहाँ से 1 पर सेट, और इस डिटेल को हम कर देंगे 2 से 9.2 ऑलमोस्ट यहाँ पर सेट, ताकि हमारी जो फायर की डिटेल है वो अच्छी तरीके से हमें दिखाई दे। ऐसा करने से हमारे जो फायर वो काफी डार्क यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो हम इस वैल्यू को जो हमने यहाँ पर सिलेक्ट की थी उसको कर देंगे ऑलमोस्ट 50, ताकि हमारे जो फायर का ब्राइटनेस है वो अच्छी तरीके से मेंटेन रहे। गाइस अगर हम इसे रेंडर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टॉर्शन हमें यहाँ पर नजर आएगा। तो इसे हम कम करने के लिए हम जाएंगे अभी कंपोजिटिंग टैब में, और कंपोजिटिंग टैब में जैसे ही हम आते हैं हमें यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर यूज नोड को एनेबल नहीं किया था। जैसे हम यूज नोड को एनेबल करते हैं हमारे पास कुछ नोड यहाँ पर दिखाई देंगे, तो हम इस नोड को कर लेते हैं थोड़ा सा ड्रैग। तो अब हमें यहाँ पर ऐड करना है ग्लेयर नोड, तो शिफ्ट ए करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें हम टाइप कर देंगे ग्लेयर। तो ग्लेयर जैसे हम टाइप करेंगे हमारे पास एक ग्लेयर नोड आ जाएगा। तो ग्लेयर नोड को सिलेक्ट करते ही हमें प्रेस कर देना है कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट क्लिक, तो हमारे पास एक व्यूअर नोड आ जाएगा जिसको हमें कर देना है यहाँ पर ड्रैग। और अब हमें यहाँ पर स्ट्रिक से सिलेक्ट कर लेना है इसको फॉग ग्लो को, और फॉग ग्लो को हम जैसे सिलेक्ट करेंगे हमारे पास कुछ यहाँ पर वैल्यूज आ जाएंगी। तो हमें यहाँ पर साइज को कर देना है 9%। अब हमें थ्रेशोल्ड को कर देना है 0.1%। अब हमारी जो एडिटिंग है हमारे एनहेंसमेंट है वो ऑलमोस्ट हो चुकी है कंप्लीट। अब हमें सीधा करना है रेंडर। लेकिन गाइज हमारे पास ब्रह्मास्त्र के फायरबॉल में 2 फ्लेम्स हैं। ये हो गया हमारा ऑरेंज फ्लेम के लिए जो कि हमने देखा यहाँ पर शेडिंग टैब में, जो कि ऑरेंज फ्लेम हमें अच्छी तरीके से दिखाई दे रही है। अब हम करेंगे एक पर्पल फ्लेम ऐड। तो पर्पल फ्लेम ऐड करने के लिए सिमिलर स्टेप्स हमको फॉलो करने पड़ेंगे शुरुआत से। गाइज यार अब पर्पल फ्लेम के लिए हमें करना है सिमिलर स्टेप्स को फॉलो। तो अब हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेश से। हम करेंगे यहाँ पे ऐड एक यूवी स्फीयर, इसको कर लेंगे साइज में रिड्यूस जो कि है उतना ही जितना हमारा पहला स्फीयर था। अब हम करेंगे यहाँ पर क्विक इफेक्ट्स में क्विक स्मोक ऐड उसके लिए, और इसको भी कर देंगे हम स्केल और इसको कर देंगे थोड़ा सा ऊपर इस तरीके से। अब हम ऐड करेंगे एक टर्बुलेंस फील्ड जो कि होंगी यहाँ पर, और इसको भी हम कर देंगे ड्रैग ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से, और
और अब हम टर्बुलेंस के प्रॉपर्टीज में जाकर स्ट्रेंथ कर देंगे 0.4%, और अब नॉइज अमाउंट को भी कर देंगे 0.4 पर रेज। सिमिलरली अब हम जाएंगे हमारे स्पीयर में, जो कि स्पीयर 001 हमने अभी ऐड किया है। अब हम जाएंगे इसमें, इसको करेंगे फायर में कन्वर्ट, फ्यूल को कर देंगे सेट 2 पर, सरफेस इमिशन को कर देंगे यहाँ पर 1, और टेक्सचर को कर देंगे एनेबल, और ये जो टेक्सचर हमने पहले बनाया था उसे कर लेते हैं हम सिलेक्ट। अब हम जाएंगे स्मोक डोमेन 1 में, और यहाँ पर हम कर देंगे हमारी रिजोल्यूशन 56%। नीचे आएंगे हम कर देंगे यहाँ पर एडिट डोमेन को क्लिक, यहाँ पर हम कर देंगे रिएक्शन स्पीड को सेट 0.5 पर, और वोर्टिसिटी को कर देंगे 0.1 पर सेट। इस रिज्यूमेबल को कर देंगे हम एनेबल, और यहाँ पर रिप्ले को कर देंगे हम मॉड्यूलर पर सिलेक्ट। गाइज यहाँ पर हमारी जो चीज़ें हैं वो सारी सेट हो चुकी है। गाइज यार अब हम जाएंगे स्मोक डोमेन में, इसको यहाँ से कर लेंगे कॉपी, और यहाँ पर स्मोक डोमेन 1 में आकर इसको यहाँ पर कर देंगे हम पेस्ट इस तरीके से। गाइज यार अब हम जाएंगे शेडिंग में, और स्मोक डोमेन का जो हमने बनाया था उसको सारे हम सबको एक साथ कर लेंगे सिलेक्ट, इसको कर लेंगे यहाँ से कॉपी, स्मोक डोमेन 1 में जाकर इन दोनों को हटा देंगे और यहाँ पर इनको कर देंगे पेस्ट। अब हम शेडिंग में आकर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे हमारा कलर, जो कि है यहाँ पर कुछ पर्पल शेड, और गाइज ये जो येलो है इसको भी हम कर लेंगे थोड़ा सा लाइट पर्पल के लिए सिलेक्ट, ताकि जो फ्लेम है वो अच्छी तरीके से हमें दिखाई दे। कलर सेट करने के बाद हमें यहाँ पर जाना है और इस वैल्यू को कर देना है यहाँ पर 20, ताकि जो फ्लेम है वो अच्छी तरीके से उसमें मिक्स हो जाए, और जो पर्पल कलर है वो हमें ज़्यादातर ना दिखे, और आप देख सकते हो कि आउटपुट कुछ अच्छी तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। गाइस यार अब मैं आ चुका हूँ लेआउट में, इस फाइल को कर लेते हैं सेव, और अब करेंगे इस इमेज को यहाँ पर रेंडर। तो रेंडर इमेज पर हम क्लिक कर देंगे। गाइस यार जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, हमारा रेंडर रिजल्ट आ चुका है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो फायरबॉल है वो हमारा बन चुका है। अब हम सिंपली इसे लेकर जाएंगे इमेज एडिटर में, इसका ब्लैक बैकग्राउंड कर देंगे रिमूव, और कर देंगे हमारी जो इमेज है उसके साथ अटैच। तो गाइज इससे आगे आप अपने हिसाब से कोई भी फोटो एडिटर ऐप से इसका बैकग्राउंड रिमूव करके आपके फोटो के साथ इसको अटैच कर सकते हो। गाइज मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि अगर आपको इमेज के लिए चाहिए तो ये वीडियो को देखना, और अगर वीडियो चाहिए तो मैं आपको आखिरी में ट्रिक बताऊंगा। तो वो ट्रिक ये है गाइज, तो हमें ब्लेंडर में आने के बाद सिंपली यहाँ पर जाना है रेंडर में, आउटपुट प्रॉपर्टीज में, और आउटपुट प्रॉपर्टीज में जाने के बाद हमें यहाँ पर सिंपली पीएनजी को हमें यहाँ पर सिम आउटपुट प्रॉपर्टीज में जाने के बाद हमें यहाँ पर सिंपली नीचे आना है और फाइल फॉर्मेट को चेंज कर देना है FFMPEG वीडियो में। जैसे हम इसको चेंज करते हैं तो हमारा जो आउटपुट है वो अभी वीडियो फॉर्मेट में सेव होगा, और गाइज जो फ्लेम्स है वो वीडियो फॉर्मेट में आपको फ्लेम्स की तरह दिखेंगे, एनिमेशन की तरह। तो आप वो आपकी वीडियो पर इंस्टॉल कर सकते हो, हालांकि उसको थोड़ा टाइम लगेगा रेंडर होने में, लेकिन अच्छी तरीके से आप उसको उस वीडियो में लगा सकते हैं। तो गाइज मैंने यहाँ पर एक सेटिंग की थी जो कि है यहाँ पर रेंडर प्रॉपर्टीज में, मैंने यहाँ पर मैक्स सैंपल्स को कर दिया था 64 पर चेंज, और यहाँ पर भी मैंने मैक्स सैंपल्स को कर दिया था 64 पर चेंज। तो बेसिकली सैंपल्स यानी जितने फ्रेम्स उसको चाहिए रेंडर करने के लिए, तो मैंने यहाँ पर 64 फ्रेम्स में उसको रेंडर करने के लिए बोल दिया था, तो इसीलिए हमारी जो आउटपुट क्वालिटी है वो थोड़ी हल्की नजर आई। अगर मैंने यहाँ पर 1040 या फिर ज़्यादा मैक्स सैंपल्स लिए होते तो मेरी जो आउटपुट क्वालिटी होती वो बहुत ही और ज़्यादा बेहतरीन और अच्छी तरीके से हमें नज़र आती। तो गाइज अगर आपके पास अच्छा पीसी है तो उसको आप बढ़ा सकते हो मैक्स सैंपल्स को, आपको जितना चाहिए आप उतने सैंपल्स वहाँ पर दे सकते हो। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।